हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने जो है 31 अगस्त को बलिया की धरती से हम आंदोलन का एक डेट तय किए थे, उसका खंडन करने के लिए रखे हैं। दूसरी बात, जो आज 15 तारीख से टीवी मीडिया से लेके एक उफान मचा हुआ है अनुसूचित जनजाति मुद्दे को लेकर, जो माननीय ओम प्रकाश जी ने एनडीए में गठबंधन किया है, उस गठबंधन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार और उनको कहना चाहता हूं कि ये समाज को बताए कि जो कहते हैं कि हमारा एसटी आरक्षण ही हमारी मुख्य उद्देश्य था, इसी उद्देश्य पर गठबंधन हुआ है, तो एक लिखित और ट्वीट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी या मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट के माध्यम से बताए कि नहीं, इनका गठबंधन इसी मुद्दे पर हुआ। भाजपा सरकार क्यों नहीं खुलकर बता रही है और ओम प्रकाश राजभर क्यों खुलकर नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने आपका जो हक है वो चुनावी मुद्दा बनाया है? देखिए, इसमें हमारे समाज के नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो समाज के नेता हैं, अगर कोई पैरवी किया होता तो आज एक एक जो हमारे समाज के अपने को मसीहा बन रहे हैं, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा दिन नहीं होता, चाहे वो हमारे पक्ष के नेता रहे हों चाहे विपक्ष के नेता रहे हों। और गुमराह करने की जो ये समाज के साथ गुमराह हो रहा है, गुमराह इसलिए हो रहा है समाज, क्योंकि समाज क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हमारा हक अधिकार मिलेगा कहाँ, और समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोड से लेकर कोर्ट तक। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 23 अगस्त 1921 को हम लोगों ने सारनाथ से लेकर लखनऊ तक पैदल यात्रा किया 2021 में, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमने जनवरी 2021 में ही एक मुकदमा किया था 22 में, जिसका आप लोगों के सामने ये साक्ष्य है कि 3-3, 4-4 बार आर्डर हुआ है और सरकार ने उसमें कार्रवाई भी की, कार्रवाई चलती रही, और जब कार्रवाई करीब पहुंची तो उसमें एक उड़ान चक्का हमारे समाज का मसीहा आ गए, जिन्होंने इस मुद्दे को हाईजैक करके समाज को गुमराह कर रहे हैं, प्लस माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी को गुमराह कर रहे हैं, और साथ साथ ये जनता भी उसमें गुमराह हुई है कि आखिर हमारा मुख्य रास्ता कहाँ से है, जिसमें हम लोग भी भाजपा से बहुत उम्मीद किए हैं, क्योंकि भाजपा को ये समाज 4-4 बार वोट दिया है, 2014 में वोट दिया, 2017 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, 2022 में वोट दिया, और 2024 आने वाली है। मैं नेताओं से ज़्यादा इस सरकार से अपील करता हूँ कि शोषित वंचित समाज, गरीब समाज का ये उत्थान करे, इस समाज को उसका हक अधिकार मिले, और समाज आप ये इसके बाद जो इस समय सत्र चल रहा है, इस सत्र के बाद एक ही सत्र और चलेगा, हमारा प्रस्ताव भिजवा दे और शीतकालीन सत्र में हमारा नोटिफिकेशन करा दे। सरकार के साथ किसी नेताओं की जरूरत नहीं है, सरकार सीधे सीधे समाज से गठबंधन करे और समाज गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ पूरा समाज उनको वोट करेगा। 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज इस तरीके से आप लगा रहे हैं आरोप, क्या कुछ अगली रणनीति होगी ओम प्रकाश राजभर के लिए? हमारी रणनीति यही है कि हम लोग ओम प्रकाश के लिए रणनीति नहीं, अब तो समाज के सारे नेताओं के लिए रणनीति लगाएंगे। रणनीति तो हम पक्ष और विपक्ष के लिए भी रणनीति कराएंगे, क्योंकि अब हम गांव-गांव घर-घर जाकर अब हम कहेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम लोग न विपक्ष को वोट देंगे, न पक्ष को वोट देंगे, न किसी समाज के नेता को वोट देंगे। अब हम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के कगार इसी की धारा को देखते हुए अब हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। आपके समाज के अनिल राजभर जी हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, अनिल राजभर जी वो किसी दुकान में कर्मचारी है, और हम कर्मचारी से क्या उम्मीद करें? हम उम्मीद कर रहे हैं जो अपने को दुकान का मालिक है, जब वही गुमराह किया तो कर्मचारी से कौन उम्मीद किया जाए? कर्मचारी के क्या है कि वो तो आज तक, जबकि उनकी राजनीतिक रोटी ही आरक्षण के मुद्दे से ही चली, जो 22 मार्च 2015 को इन्होंने कटिंग मेमोरियल के मैदान में
जो सभा किया चलो आजादी मिलने वाली है, समाज भी हमारा समाज 90% पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका इन्होंने फायदा उठाया। और समाज को ये नहीं पता कि आरक्षण सदन से मिलता है, लेकिन इन्होंने कहा चलो आजादी मिलने वाली है, माननीय अमित शाह आएंगे और यहाँ आ करके आप लोगों को घोषणा करेंगे। अगर समाज को इतना ही ज्ञान रहता तो घोषणा सदन से होता है, घोषणा सरकार से होती है, न कि घोषणा किसी कार्यक्रम स्थल से होती है। इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उपचार राजभर के ऊपर, क्यों नहीं एफआईआर या मुकदमा करा रहे हैं? हम सारे तथ्यों को पूरा खोजबीन कर रहे हैं, सब निकाल लिए हैं, तो जो बैड न्यूज चला है उस न्यूज को भी निकाले हैं, जो पेपर में निकला है सारी चीज लेकर के हमारी आगे की रणनीति है। थोड़ा हमारी जो समिति है आपस में अभी बैठेगी, क्योंकि हमारे लीगल जो हैं वो लोग राय मशवरा करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।